हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एव स्टडी क्लासेस सो गाइस आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज रिलेटेड टू ऑंटरप्रनोरशिप स्कीम्स सो यूजीसी नेट मैनेजमेंट की जो हमारी यूनिट है ऑन्टरप्रेनशिप डेवलपमेंट की उसमें बहुत सारी स्कीम्स आती हैं रिलेटेड टू ऑंटरप्रेनोरशिप रिलेटेड टू एम तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि इन स्कीम्स को हम याद कैसे रखें क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं तो एक तरीका ये है कि हम इन स्कीम्स को प्रैक्टिस करें इन स्कीम्स को स्टडी करें थ्रू द एमसीक्यूज यही हम इस सेशन में करने वाले हैं स्कीम से हम फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएसएमई डिविजन स्कीम इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मार्क द करेक्ट आंसर एमएसएमई जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारी डिवीजन हैं और उसमें एक डिवीजन है एस एम डिवीजन तो एस एम डिवीजन की एक स्कीम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इससे रिलेटेड हमें यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें बताना है कि राइट right आंसर क्या होगा सो so पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम एनकरेज इंडियन टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन ट्रेडर्स एंड बायर सेलर मीट तो बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन जो स्कीम है ये हमारी जो इंडियन एमएसएमई है उनको एनकरेज करती है कि वो पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल एग्जिबिशंस में ट्रेड फेयर्स में बायर और सेलर मीट्स में सो so दैट उनका जो एक्सपोजर है वो बड़े राइट right? और स्टेटमेंट टू हमारी कह रही है कि दिस स्कीम्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95 परसेंट ऑफ फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर द तो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है स्कीम में जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में या ट्रेड फेयर में तो उसका जो एयर फेयर होता है जो किराया होता है उसका नाइन्टी परसेंट जो है वो गवर्नमेंट यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है यानी कि कर देती है राइट right? सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर हमारे यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन बहुत दस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है और जो असिस्टेंस यहां पर गवर्नमेंट देती है इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड टाइप ऑफ द एंटरप्राइज तो दोनों ही स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन सही है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सो हमारे पास एमएससी सी डी पी एक प्रोग्राम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें बताना है सो पढ़ते हैं वन बाई वन सेवी स्टेटमेंट्स को पहली स्टेटमेंट है टू स्पोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ एमएससीज बाई एड्रेसिंग अ कॉमन इशूज तो बिल्कुल सही बात है राइट right? जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है इन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ एमएसएम बाई एड्रेसिंग सम कॉमन इशूज बी स्टेटमेंट है टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ एमएससीज फॉर कॉमन सपोर्टिव एक्शन यस कैपेसिटी बिल्डिंग में भी ये प्रोग्राम काम करता है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है थर्ड है टू क्रिएट और अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन द न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज और क्लस्टर ऑफ एमएससीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को क्रिएट और अपग्रेड करने के लिए भी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का यूज होता है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है और डी स्टेटमेंट है टू एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एमएसएमईस तो देखिए क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करने का काम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करता है सो डी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन ए बी एंड सी ओनली सो देखिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव है यहां पर इस पर्टिकुलर स्कीम के जो सस्टेनेबिलिटी है और ग्रोथ है एमएसएमईस की उसको एंश्योर करने का काम करता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाई एड्रेसिंग द कॉमन इशूज जैसे कि इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट मार्केट एक्सेस एक्सेस टू फाइनेंसिस तो ये कुछ कॉमन इशूज होते हैं जिनको एमएसएमएस फेस करती हैं राइट right? इसके अलावा कैपेसिटी डेवलपमेंट में ये प्रोग्राम काम करता है इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करा जाता है साथ में कॉमन फैसिलिटीज सेंटर भी यहाँ पर सेटअप करी जाती है अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम राइट किस तरह के कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं जैसे कि ट्रेनिंग के लिए प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए रॉ मटेरियल डिपोज यहाँ पर क्रिएट करे जाते हैं राइट एफिलोमेंट ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज करी जाती हैं अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द स्कीम्स विच कम्स अंडर द एम एस सी देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसकी अलग अलग डिवीजन हैं और उनमें से एक डिवीजन है एम एस डिवीजन तो हमें बताना है कि नीचे जो हमें स्कीम्स मैंशन है इनमें से कौन सी स्कीम स्कीम्स एमएससी डिवीजन के अंडर आती हैं स्कीम्स नाम स्कीम्स के नाम यहां पर दिए गए हैं जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रेडिट गारंटी माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम टिंग एसिस्टेंस देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन टू बच इज ए डी ई ओनली सो ए में है हमारे पास इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके अलावा असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केटिंग असिस्टेंस तो ये तीनों स्कीम्स जो है वो एस एम ई डिविजन के अंडर आती है बाकी जो यहाँ पर स्कीम्स मैंशन है क्रेडिट गारंटी और माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है ये भी है. एमएसएमएस की स्कीम्स हैं लेकिन ये एस एम डिवीजन के अंडर नहीं आती हैं तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर होगा ए डी एन ई ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिस्ट given बिलो सेलेक्ट द स्कीम्स which कम्स अंडर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन तो देखिए NSIC ये एक statutory इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम Enterprises और NSIC बहुत सारी स्कीम्स की है नोडल एजेंसी राइट बहुत सारी स्कीम्स को गवर्नमेंट रन करती है अंडर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन तो हमें बताना है कि कौन सी स्कीम्स हैं जो NSIC के अंडर आती है. तो, schemes तो हैं। तो स्कीम्स जो यहाँ पर दी गई हैं देखिए तो सबसे पहले है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग B is informidary services, C is marketing intelligence services, Lease, D is Prime Minister's Employment Generation program, यानी कि PMEGP और E यहां पर मेंशन है कॉइल उद्यमी योजना। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा right answer होगा option number four which is A, B, C only। So NSIC की schemes की अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ schemes हैं जो NSIC यानी कि National Small Industries Corporation के अंदर आती हैं जैसे कि performance and credit rating बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन रॉ मटेरियल असिस्टेंस सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेडरी सर्विसेज मार्केटिंग इंटेलिजेंस सर्विसेज लीज एंड बिल्स डिस्काउंटिंग तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो एन के अंडर आती हैं राइट तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ए वी सी पी एम ई जी पी और क्वारर उद्यमी योजना ये एन एस आई सी के अंडर नहीं आती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज of ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट अबाउट द नेशनल Competitiveness Program. प्रोग्राम so, देखिए NMCP ये एक प्रोग्राम है नेशनल Manufacturing Competitiveness प्रोग्राम हमें बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है इनकरेक्ट नहीं है का मतलब कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है सो so, पहली देखिए स्टेटमेंट है फोकस ऑन इंप्रूविंग द कंपिटेटिवनेस ऑफ एम एस एम ईस सेक्टर तो यस yes, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपिटेटिवनेस प्रोग्राम है ये एमएसएमई की कंपिटेटिवनेस को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करता है ए स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है सेकेंड इज द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन देखिए याद रखेंगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपिटेटिवनेस प्रोग्राम ये टू थाउजेंड सेवन एट में स्टार्ट हुआ था ना कि टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन में सो so बी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी

एम यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के अंडर 10 स्कीम्स आती हैं ये बात तो यहां पर बिल्कुल सही है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 2 व्हिच इज ए ओनली सो देखिए बच्चे ये सारी स्कीम्स हैं जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपिटेटिवनेस प्रोग्राम के अंडर आती हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंस टू एस एम एम एस एम ईस बार कोड स्पोर्ट फॉर ऑन्टरप्रनोरियल एंड मैनेजरल डेवलपमेंट ऑफ एम एस एम ईस थ्रू इंक्यूबेटर्स एनेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बी कंपिटेटिव थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी टेक टूल्स राइट इसको शॉर्ट में क्यू एम एस और क्यू टी टी भी बोला जाता है बिल्डिंग अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर एमएसएमईज लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपिटेटिवनेस स्कीम फॉर एमएसएमईज लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किस तरह से हम बेस्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिजाइन क्लिनिक स्कीम फॉर डिजाइन एक्सपर्टीज टू एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके अलावा मार्केटिंग असिस्टेंस के ऊपर स्कीम्स हैं टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन के ऊपर भी यहां पर स्कीम है और आईसीटी की प्रमोशन के ऊपर भी एक स्कीम है अंडर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपिटेटिवनेस प्रोग्राम नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है लिस्ट वन में हमें दिया गया है टर्नओवर ऑफ एमएसएमईज और लिस्ट टू में मेंशन है री ऑफ फी थ्रू एन एस आई सी अंडर परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम देखिए एन एस आई सी यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो कि एक सेटरी इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई उनकी एक स्कीम है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम इस स्कीम का पर्पज ये है कि जो हमारी एम हैं वो अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाएं फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज राइट और उसमें जो भी फीस लगती है उसको गवर्नमेंट री कर देती है थ्रू एन एस आई सी एंड दिस री डिपेंड्स अपॉन द टर्न ओवर ऑफ एम राइट right? तो यही हमें इस क्वेश्चन में मैच करना है तो सबसे पहले दिया गया है अप टू 50 लाख तो अगर किसी एमएसएमई का जो टर्नओवर है वो अप टू 50 लाख है तो गवर्नमेंट री करती है 75 परसेंट ऑफ द फी और 25,000 फाइव एवर इज लेस यानी कि 25,000 या फिर 75 परसेंट ऑफ द फी दोनों में से जो भी कम होगा उसको गवर्नमेंट री कर देगी एव 50 टू 200 लाख लैख यानी कि 50 से दो करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर है तो इस केस में गवर्नमेंट री करती है 75% ऑफ द फी और 30,000 थाउजेंड विच एवर इज लेस एंड मोर देन 200 लाख लैख यानी कि दो करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है तो गवर्नमेंट री करती है 75% ऑफ फी और 40,000 थाउजेंड एवर इज लेस तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सो प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पहली स्टेटमेंट है द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और यूनिट एडमिसिबल इन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इज ट्वेंटी फाइव लैक् जी हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट है द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और यूनिट एडमिसिबल इन सर्विस सेक्टर इज 15 लाख तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है सर्विस सेक्टर में जो कॉस्ट एडमिसिबल है वो है 10 लाख ना कि 15 और सी स्टेटमेंट है कि केवीआईसी इज ए नोडल एजेंसी फॉर पीएमईजीपी केवीआईसी मतलब खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन राइट और केवीआईसी ही नोडल एजेंसी है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 व्हिच इज ए वी एंड सी ओनली Right? ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर इंप्लायमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल के ऊपर पीएमईजीपी का स्टेट लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो स्टेट के वी स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं ये नोडल एजेंसीज होते हैं मैक्सिमम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्वेंटी फाइव लैख एडमिसिबल है और बिजनेस और सर्विस सेक्टर में इट इज टेन लैख एंड एनी इंडिविजुअल जो एटीन ईयर से ऊपर है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है राइट

वर्कर्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो ये एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें एक कंपनसेशन प्रोवाइड कर जाता है टू डिस और डिसेबल्ड वर्कर और टू द नॉमिनी हमें बताना है कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में कम्पनेशन पेबलो कितना है ऑप्शन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड या फिर वन लैख सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू विच इज फिफ्टी लैख पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो कंपनसेशन दिया जाता है वो एक्सीडेंटल डेथ के केस में दिया जाता है फिफ्टी थाउजेंड परमानेंटल टोटल डिसेबिलिटी अगर किसी को हो जाती है तब भी फिफ्टी थाउजेंड है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी अगर होती है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है और अगर फिंगर कट हो जाता है तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना सीरी, कितनी सीरियस इंजरी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है राइट सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर टू विच इज फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द फुल आई आर एफ डबल एस तो टी आई आर एफ डबल एस एक स्कीम है इसकी फुल फॉर्म आपको यहां पर बतानी है फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फंक्शनल सपोर्ट सर्विसेज सेकेंड ऑप्शन इज ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड फंक्शनल सपोर्ट सर्विसेज थर्ड इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज एंड फोर्थ इज ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फंक्शनल सपोर्ट सर्विसेज तो याद रखेंगे टी आई आर एफ डबल एस इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फंक्शनल सपोर्ट सर्विसेज इस स्कीम के अंदर जो भी एम एस एम एस हैं उनको ट्रेड और इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी फंक्शनल सपोर्ट फंक्शन होते हैं जैसे कि मार्केटिंग हो गया प्रोडक्शन हो गया इससे रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर और टी आई आर एफ डबल एस की अगेन याद रखेंगे फुल फॉर्म इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फंक्शनल सपोर्ट सर्विसेज नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है हमें यहाँ पर लिस्ट वन दी गई है लिस्ट टू दी गई है लिस्ट वन में हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम है और दूसरी तरफ इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है स्टार्टिंग ईयर है इसके साथ हमें पर मैच करना है इनको। हम बताना है कि कौन सी स्कीम या फिर इंस्टीट्यूशन का स्टार्टिंग ईयर क्या था तो so सबसे पहले दिया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इनकी के वी आई सी सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को सेटअप करा गया था इन द ईयर ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सेवन वायर वर्ड को सेटअप करा गया था इन द ईयर ऑफ 1954, फिफ्टी एन एस आई सी यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसको सेटअप करा गया था 1955 और स्टार्टअप इंडिया ये स्कीम आई थी 2015 में तो ए के साथ वन बी के साथ टू सी के साथ थ्री और डी के साथ फोर यही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जिसको हम शॉर्ट में सी जी टी एम एस सी भी बोलते हैं तो फुल फॉर्म भी बच्चे आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं तो ये जो स्कीम है इट गारंटीज ऑन क्रेडिट फॉर लोन्स अप टू डैश विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी एंड कोलेक्ट्रल तो सी जी टी एम एस सी के अंडर जो गारंटी प्रोवाइड करी जाती है ऑन द क्रेडिट वो कितने लोन तक कितने अमाउंट के लोन तक कर जाती है विदाउट एनी थर्ड पार्टी गारंटी और कोलेक्ट्रल ये हमें बताना है लोन के अमाउंट दिए गए हैं वन करोड़ टू करोड़ थ्री करोड़ या फिर फोर करोड़ तो so, देखिए ये जो हमारी स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इसमें जो क्रेडिट गारंटी है वो प्रोवाइड करी जाती है अप टू टू करोड़ ऑफ द लोन तो अगर दो करोड़ तक का लोन किसी एमएसएमई ने लिया है तो बिना थर्ड पार्टी गारंटी और कोलेक्ट्रल के यहां पर क्रेडिट गारंटी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम राइट ये जो गारंटी है ये बेसिकली सेवेंटी टू एटी जो है वो कवरअप करती है राइट एंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इट इज अप टू फाइव लैक और फिफ्टी कवरेज है ये रिटेल एक्टिविटी के लिए यहां पर करी जाती है कर

फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पर मैच करके बताना है राइट right आंसर क्या होगा तो सो वी हैव सॉफ्ट इंटरवेंशन्स हार्ड इंटरवेंशन्स एंड थीमेटिक इंटरवेंशन्स तो सॉफ्ट इंटरवेंशन्स में क्या आएगा जहां पर बहुत सारी बहुत ज्यादा जो मशीनरी का यूज है यानी कि टेक्निकल वर्क इतना नहीं है उसे हम सॉफ्ट इंटरवेंशन्स बोलते हैं तो सॉफ्ट इंटरवेंशन में क्या क्या आता है सॉफ्ट इंटरवेंशन्स में आ जाएगा स्किल डेवलपमेंट अवेयरनेस एंड मार्केट प्रमोशन राइट सो ए के साथ मैच करेंगे वन को राइट नेक्स्ट है हार्ड इंटरवेंशन जहां पर टेक्निकल वर्क कहीं ना कहीं आएगा तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर्स मटेरियल बैंक्स तो बी के साथ मैच करेंगे थ्री को और थीमेटिक इंटरवेंशन में हमारे पास आएगा जहां पर किसी पर्टिकुलर थीम पे हम काम कर रहे होंगे यानी कि स्पेशलाइज काम होगा जैसे कि ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग सी के साथ मैच करेंगे टू को सो राइट आंसर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर ए के साथ वन बी के साथ थ्री एंड सी के साथ टू तो देखिए जो स्फूर्ति स्कीम है स्फूर्ति की फुल फॉर्म अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे याद रखना स्कीम ऑफ फंड्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो इसके अंदर तीन तरह की इंटरवेंशन आती हैं सॉफ्ट इंटरवेंशंस हार्ड इंटरवेंशंस एंड थीमेटिक इंटरवेंशंस सॉफ्ट इंटरवेंशंस में वी हैव स्किल डेवलपमेंट जनरल अवेयरनेस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट एंड मार्केट प्रमोशन एंड इन हार्ड इंटरवेंशन वी हैव कॉमन फैसिलिटी सेंटर रॉ मटेरियल बैंक

पोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम एस तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर जाता है अंडर द स्की इंस्टीट्यूशन के लिए उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम एस के अंडर आते हैं तो जी हा, हमारी हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहां पर बिल्कुल सही है ये इनकोक्ट नहीं है सेकेंड स्टेटमेंट है बेनिफिट अंडर द स्कीम कैन बी अवेल्ड only by the training institutions of Ministry of MSME and state level EDIs. तो इसके जो benefits हैं, उन्हें वही training institutions avail कर सकते हैं जो Ministry of MSME के अंदर आते हैं, या फिर state level EDIs हैं. EDIs का मतलब होता है Entrepreneurship Development Institutes, सेकंड so स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है थर्ड है द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम टू ए स्टेट लेवल ईडीआई बिल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 200 लाख इन ईच केस तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है स्कीम में जो स्टेट लेवल के ऑन्टरप्रीनरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू टू करोड़ यानी कि टू हंड्रेड लैक्स और फोर्थ है नन इज इनकरेक्ट देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू द स्टेट लेवल ईडीआई ये है थ्री हंड्रेड लैक्स का यानी कि अप टू थ्री करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर मिल सकता है टू हंड्रेड नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एस सी एस टी हब तो हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग नेशनल एस सी एस टी हब हमें यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है राइट right आंसर क्या होगा पहली स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइड्स 25 परसेंट सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट तो ये स्कीम 25 परसेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऑन द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स टू द एससी एस टी ऑन यस ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट है द स्कीम एम्स टू अचीव 5% परसेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट टारगेट फ्रॉम एस सी एस टी ऑन्टरप्रेनियोर तो जो गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है यानी कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जो भी सामान खरीदा जाता है फ्रॉम द एम एस एम एस तो ये बोला गया है कि जो एस सी एस टी ऑन्टरप्रेनियोर्स है इस स्कीम के अंडर ये टारगेट है कि फाइव परसेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमें एस सी एस टी ऑन्टरप्रेनियोर ऑन्टरप्रेनियोर से करनी है तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का टारगेट है गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर वो है फोर परसेंट ना कि फाइव परसेंट इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री विच इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट तो इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करनी है गवर्नमेंट को उसका फोर परसेंट जो है वो एस सी एस टी ऑन्टरप्रेनियोर्स से करा जाएगा यह पर्टिकुलर स्कीम फैसिलिटेट करती है एस सी एस टी ऑन्टरप्रेन्योर्स को टू बी पार्ट ऑफ बेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेंटरिंग सपोर्ट की वो मेंटरिंग सपोर्ट को ज्वाइन करें राइट इसके साथ ही जो एस सी एस टी एंटरप्राइजेस है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने का उसको डिसेमिनेट करने का, का काम भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंडर अंडर जो है है वो करा जाता राइट और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड स्पेसिफिक टूल किट्स टू ट्रेंड कैंडिडेट्स जो भी ट्रेंड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेड स्पेसिफिक टूल किट्स भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं अंडर द नेशनल एस सी एस टी हब राइट राइट आंसर क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पायर स्टैंड फॉर तो हमें यहाँ पर बताना है एस्पायर जो कि एमएसएम की स्कीम है राइट मिनिस्ट्री ऑफ एम की स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है ऑप्शंस दिए गए हैं स्कीम फॉर प्रॉस्परिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड ऑन्टरप्रनोरशिप सेकेंड इज अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड ऑन्टरप्रेनोरशिप थर्ड इज अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड इकॉनॉमी एंड फोर्थ इज अ स्कीम फॉर प्रॉस्परिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड इकॉनमीमी सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू विच इज अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड ऑंटरप्रीनरशिप तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका पर्पज है कि इनक्यूबेशन और टेक्नोलॉजी सेंटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट करना सो so दैट हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी कंपिटेटिवनेस इंक्रीज हो और यहाँ पर जो फोकस है स्कीम का वो है रूरल और अंडर सर्व एरियाज में जो भी अंडर एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं वहां पर एमएसएमएस की जो कंपिटेटिवनेस है वो इंक्रीज हो उसके लिए इंक्यूबेशन और टेक्नोलॉजी सेंटर्स को सेटअप करना ये पर्पस है एस्पायर स्कीम का तो इसमें जो की बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये हैं कि अप टू वन करोड़ टू द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अपू सेवेंटी फाइव लैक टू द प्राइवेट एजेंसीज यहां पर प्रोवाइड करा जाता है फॉर प्रोक्योरिंग प्लांट एंड मशीनरी और इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ वन करोड़ यहां पर दिया जाता है टू द न्यू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज की ताकि वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को यहां पर पूरा कर सकें जैसे कि मैन पावर कॉस्ट रनिंग इंक्यूबेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं इनको पूरा करने के लिए न्यू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज को अप टू वन करोड़ तक का बेनिफिट इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकर अबाउट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर जेड सर्टिफिकेशन स्कीम तो जेड सर्टिफिकेशन एक स्कीम है जेड का मतलब है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इससे बेनिफिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है पहली स्टेटमेंट है सब्सिडी ऑन कॉस्ट ऑफ जेड सर्टिफिकेशन ज्वाइनिंग रिवॉर्ड ऑफ टेन थाउजेंड बिल्कुल सही बात है टेन थाउजेंड का ज्वाइनिंग रिवॉर्ड होता है सब्सिडी ऑफ एटी सिक्सटी एंड फिफ्टी परसेंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है माइक्रो के लिए 80 परसेंट सब्सिडी होती है स्मॉल के लिए 60 एंड मीडियम के लिए 50. इसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है to the MSMEs up to 75% of the total cost of testing certification with the maximum ceiling of subsidy being 75,000. So, देखिए जो financial assistance है, ये 75% of total cost होता है, ये तो सही बात है. लेकिन जो maximum ceiling है, ये 50,000 की है, ना कि 75,000 की. इसलिए ये statement हमारी यहाँ पर incorrect हो जाएगी. इसके अलावा, handholding holding support up to 2 लैक्स फॉर द कंसल्टेंसी एंड 3 लैख फॉर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर ऑल जेड सर्टिफाइड एमएसएम तो ये भी यहां पर बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी इसलिए हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री और इसके जो बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के इसमें एक और चीज आपने यहां पर याद रखनी है कि एडिशनल टेन परसेंट सब्सिडी यहां पर दी जाती है फॉर द वुमेन एंड एस सी एस टी ऑंटरप्रन्य राइट और साथ में वो एमएसएमई जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयन रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो एरियाज हैं और जो आइलैंड एरियाज हैं इनमें एक्स्ट्रा टेन परसेंट की सब्सिडी जो है वो दी जाती है ये चीज भी आपने यहां पर याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच स्कीम एम्स टू एम्पावर एमएसएम डिजिटली टुवर्ड्स एडेप्टिंग आईसीटी टूल्स

डिजिटल एमएसएमई या फिर जेड सर्टिफिकेशन तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री विच इज डिजिटल एमएसएमई सो डिजिटल एमएसएमई इस स्कीम का फोकस है कि जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो आईसीटी टूल्स यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो टूल्स हैं उनको अडेप्ट करें अपने बिजनेस और प्रोडक्शन प्रोसेसिस में ताकि उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव हो जाए इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में सो राइट आंसर विल बी डिजिटल एमएसएमई नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सपोर्ट इंडियाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइव ईयर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम इन बिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर तो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई इसको हम रैंप भी कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस फाइव ईयर ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को कब लॉन्च करा गया था टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड सिक्सटीन 2020 या फिर 2022. ट्वेंटी टू सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर फोर बच इज 2022. ट्वेंटी so हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर स्कीम को इस प्रोग्राम को लॉन्च करा था ऑन जून 30, 2022 और ये एक फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसको वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से चलाया जा रहा है राइट इसमें वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर फंड दे रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फंड देगी सो so दोनों मिलकर के यहाँ पर फंड देंगे राइट और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ट्वेंटी में लॉन्च करा गया था इस बात को आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग आर की पिलर्स ऑफ सपोर्ट फॉर स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उसमें सपोर्ट के की पिलर्स क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है ऑप्शन दिए गए हैं सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग बी इज वुमेन एम्पावरमेंट सी इज इनक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप डी इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ई इज फंडिंग एंड इंसेंटिव सो इस परिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन विच इज ए सी ई ओनली जो की पिलर्स ऑफ सपोर्ट है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर वो है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्रियल अकेडमिक पार्टनरशिप्स एंड ई इज फंडिंग एंड इंसेंटिव तो स्टार्टअप इंडिया जो ये इनिशिएटिव है इसको लॉन्च करा गया था ऑन सिक्सटीन जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंट्री में स्टार्टअप इको सिस्टम क्रिएट हो राइट जॉब क्रिएटर्स हम यहाँ पर क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ जॉब सीकरस राइट जब भी स्टार्टअप करा जाएगा कोई ऑंटरप्रेनर बनेगा तो वो जॉब प्रोवाइड भी करवा सकेगा राइट जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करना एक पर्पज है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैनेज करा जाता है वाइ द डेडिकेटेड स्टार्टअप इंडिया टीम और ये टीम रिपोर्ट करती है टू द डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि डी पी डबल आई टी ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है इसको आपने याद रखना है नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें यहाँ पर दी गई है लिस्ट वन में है वेरियंट्स इन मुद्रा स्कीम और दूसरी तरफ दिया गया है लोन फैसिलिटी सो so, मुद्रा स्कीम में तीन तरह के लोन्स दिए जाते हैं शिशु किशोर एंड तरुण और इनमें डिफरेंट डिफरेंट लोन अमाउंट्स हैं हमें यहाँ पर इन्हीं को मैच करना है तो शिशु में लोन दिए जाते हैं लोन अप टू फिफ्टी किशोर में लोन दिए जाते हैं फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख और तरुण में लोन प्रोवाइड करे जाते हैं फ्रॉम फाइव लैख टू टेन लैख इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मंत्री, मुद्रा जिसको में पी एम भी कहा जाता है इसको हमारे रखना है तू, 10 ,00 इसमें लोन प्रोवाइड करे जाते हैं टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस और ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं ये कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एनवीएफसी के थ्रू करे जाते हैं राइट right. और इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है डब्ल्यू मित्रा डॉट तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू लोन्स को अप्लाई जो है वो करा जा सकता है सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमन ऑन्टरप्रनोरशिप प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय सो वुमन ऑन्टरप्रनोरशिप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च करा है आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ईज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रिनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर नीति आयोग सो so, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर बिच इज नीति आयोग सो so, वुमन ऑंटरप्रीनरशिप प्लेटफॉर्म को नीति आयोग ने लॉन्च करा है एंड वुमेन ऑन्टरप्रिनरशिप प्लेटफॉर्म इस तरह का पहला प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो वुमेन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से साथ में लेकर के आता है ताकि एक, एक इको क्रिएट हो सके जहां पर वुमन अपने ऑंटरप्रिनोरियल एस्पिरेशन को रियलाइज कर पाए और वोमन ऑन्टरप्रनरशिप प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करता है वुमेन को उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू की पार्टनरशिप्स और बच्चे याद रखेंगे वुमन ऑन्टरप्रोनरशिप प्लेटफॉर्म के तीन पिलर्स हैं इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति इच्छा शक्ति मतलब सबसे पहले तो मोटिवेट करना है उन वुमेन को ऑन्टरप्रोन्यर बनने के लिए फिर उससे रिलेटेड उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है और किस तरह से एक्चुअल में एक्शन लेना है एक्चुअल में स्टार्ट करना है एंटरप्राइजेस को वो बताना है इन द कर्म शक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री पिलर्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम सो आपको यहां पर बताना है कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसके तीन पिलर्स कौन कौन से हैं ऑप्शन दिए गए हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट इंक्लूजन इन ऑंटरप्रनोरशिप प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंसिंग डी इज क्रेडिट गारंटी एंड ई इज इंक्यूबेशन सपोर्ट देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू विच इज ए सी डी ओनली स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तीन पिलर्स हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट गारंटी और इकोनॉमिक 15, 15, तो एम्पावरमेंट हो सके और जॉब क्रिएशन हो सके जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का वो यह की हर बैंक हर, हर बैंक की हर एक ब्रांच एट लीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप ऑन को या फिर एक वुमन को लोन देगी टू तो सेटअप अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस यानी कि जितने भी बैंक्स हैं उनकी हर एक ब्रांच किसी एटलीस्ट किसी एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर एक वुमन ऑनटरपन को ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए लोन प्रोवाइड करेगी और इसमें लोन का जो अमाउंट है वो है टेन लैख से वन करोड़ के बीच में और ये होगा और ये प्रोवाइड करा जाएगा टू तो सेटअप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है जिसे हम स्क्रैच से सेटअप करते हैं सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम स्वनिधि लॉन्च बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोविड 19 टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स कम्स अंडर बिच मिनिस्ट्री तो आपको यहां पर बताना है पीएम स्वनिधि जो ये स्कीम है जो कोविड नाइन्टीन के दौरान लॉन्च करी गई थी टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनटरप्रनोरशिप तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री विच इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो बच्चे याद रखेंगे पीएम सो निधि जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर नहीं आती है राइट इस पर्टिकुलर स्कीम को जून 2020 में लॉन्च करा गया था सो कोविड 19 पे, पेंडेमिक के दौरान जो भी स्ट्रीट वेंडर्स इफेक्टेड हुए थे उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया था अभी गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है टिल दिसंबर 2024 और इसमें बिना कलेक्ट्रल के लोन दिया जाता है अप टू 50,000 लेकिन ये एक बार में नहीं दिया जाता है सबसे पहले किसी बेंडर को जो लोन दिया जाएगा वो 10,000 का दिया जाएगा जब वो टेन थाउजेंड को रीपे कर देगा तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा लोन लेने के लिए अप टू ट्वेंटी थाउजेंड अगर स्ट्रीट वेंडर ट्वेंटी थाउजेंड का जो लोन है इसे भी रीपे कर देता है सो नाउ योर शी इज एलिजिबल फॉर द लोन अप टू फिफ्टी थाउजेंड तो फेसिस में ये लोन जो है वो प्रोवाइड कर जाते हैं तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम सोनिधि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द 59 नाइन मिनट्स लोन पोर्टल डब्ल्यू 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 डॉट पी एस बी लोन्स इन फिफ्टी फाइव फिफ्टी नाइन मिनट्स एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एम एस एम एस लोन अप टू सो ये जो पोर्टल है पी एस बी इन फिफ्टी ये कितने तक का लोन एम एस एम एस को प्रोवाइड करता है ये आपको बताना है ऑप्शन दिए गए हैं फिफ्टी लैक्स वन करोड़ टू करोड़ या फिर टू पॉइंट फाइव करोड़ सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू विच इज वन सी आर सो पी एस बी लोन्स इन फिफ्टी मिनट डॉट कॉम ये एक न्यू एज डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको क्रिएट करा गया है विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लोन्स टू द एम एस एम एस विद इन फिफ्टी मिनट्स क्योंकि देखिए क्या होता है जो एम एस एम एस होती हैं कई बार उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है वो लोन्स इतनी आसानी से ले नहीं पाते हैं बिकॉज फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में बहुत सारी टी डी एस एप्लीकेशन्स होती हैं डॉक्यूमेंटेशन होती है वेरिफिकेशन प्रोसेसेज होती हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि उन्हें फिफ्टी नाइन मिनट के अंदर लोन जो है वो मिल सके। so right राइट आंसर पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सो बर लास्ट क्वेश्चन नाउ मुद्रा इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ तो मुद्रा जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है ये आपको यहां पर बताना है आपके ऑप्शन हैं आरबीआई नवाड सिडबी या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री विच इज सिडबी सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सो मुद्रा एक होली ऑन सब्सिडरी है सिडबी की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की हंड्रेड जो भी कैपिटल है इस मुद्रा की उसको सब्सक्राइब करा हुआ है सिडबी ने सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री सिडबी सो so ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ऑन्टरप्रीनरशिप से रिलेटेड कुछ स्कीम्स को डिस्कस किया आई होप आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से इससे हुई होगी अगर पीडीएफ आपको इसकी चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट